टुमॉरोलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डांस म्यूजिक फेस्टिवल है, जो कि हेल्ड होता है बूम बेल्जियम में। जनरली बूम बेल्जियम में डी शोर ग्राउंड पे होता है एंड इसमें बहुत सारे अमेजिंग इफेक्ट्स और इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस यू विल हैव। आज का वीडियो हमारा टुमॉरोलैंड पर है। आपको इंडिया से अगर टुमॉरोलैंड जाना है, इंडिया से बेल्जियम जाना है, तो क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, कैसे आप वहाँ तक ट्रेवल करके पहुँच सकते हैं एंड क्या रिक्रिएशन आपके लिए वहाँ होने वाला है, नाउ लेट्स सी। टुमॉरोलैंड फेस्टिवल के लिए जो पॉइंट्स हम कवर करने वाले इस वीडियो के थ्रू, उसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप टिकट्स कैसे बुक करेंगे, कितना आपको कॉस्टिंग होने वाला है, कितने विजिटर्स पर डे वहाँ विजिट करते हैं, क्या स्पेशलिटी है टुमॉरोलैंड में जाने की एंड मैनी मोर सच थिंग वी विल डिस्कस फर्दर। तो जो लोग टुमॉरोलैंड ऑलरेडी विजिट कर चुके, दे नो वॉट एन अनफॉर्गेटेबल इवेंट इट इज एंड वॉट एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस यू विल हैव देयर जस्ट बिकॉज ऑफ द लाइट, साउंड, म्यूजिक, द एनवायरमेंट यू विल हैव देयर। इट्स रियली अनफॉर्गेटेबल। टुमॉरोलैंड के फाउंडर्स और मेन इवेंट ऑर्गेनाइजर जो थे वो ब्रदर्स थे, मनु एंड मिशेल बियर्ड। टुमॉरोलैंड सेटअप जो होता है उसमें टोटल 16 स्टेजेस है एंड 400 डीजेस मिलके इसको ऑपरेट करते हैं। ये पूरा एक थीम पे प्लान होता है और एवरी ईयर के थीम जो होते हैं वो चेंज होते हैं। टुमॉरोलैंड को ऑपरेट करने के लिए कई सारे फेमस डीजेस है, लाइक टिमी ट्रम्पेट, हार्डवेल, मार्टिन गैरिक्स एंड ऐसे कई सारे टॉप मोस्ट फेमस जो डीजे है वो आपको यहाँ देखने मिल सकते हैं। द मोस्ट क्लोजेस्ट एयरपोर्ट फ्रॉम टुमॉरोलैंड सेटअप इज एंटवर्प एयरपोर्ट। ये आपको जस्ट 20 मिनट्स अवे मिलेगा आपके लोकेशन से। टुमॉरोलैंड इवेंट जनरली जुलाई में ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड ये 2 वीकेंड से जुलाई में ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड इसको देखने के लिए, इसको विजिट करने के लिए ओवरऑल 200 कंट्री से पीपल आते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलियन पीपल यहाँ पे विजिट करते हैं। टुमॉरोलैंड के पासिस की बुकिंग आपको ऑनलाइन करनी होती है, जिसके लिए जब आप बुकिंग कर लेते हैं उसके बाद आपको रिस्टबैंड मिलता है, उनकी साइड से रिस्टबैंड आपको आता है। आप जब इवेंट में जाते हैं तो आपको एक QR कोड पे उस रिस्टबैंड को स्कैन करना होता है और वहाँ की करेंसी पर्ल्स होती है, आपको उस करेंसी के लिए उसको रिचार्ज करना होता है एंड उसी तरह वो करेंसी को आपको 3 डेज़ के लिए, अगर आपने इवेंट प्लान किया है 3 डेज़ वहाँ रहने वाले हैं, तो आपको उसी से अपना फूड, अपना लिविंग अकोमोडेशन, एवरीथिंग आपको जो प्लान करा है आपने, आपको पूरा एक्सपेंस उसके थ्रू ही करना होगा। और अगर एट दी एंड कुछ अमाउंट रह जाता है उसमें, आपका अमाउंट अगर यूज़ नहीं हुआ है, तो आपको रिफंड भी हो जाता है। तो इसके टिकट्स एंड पासेस जो आप चेक करेंगे वो ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू करेंगे। जो वेबसाइट इसके लिए है tomorrowland.com से फेमस है। इस पर आपको अकोमोडेशन के लिए भी फैसिलिटी मिल जाएगी ड्रीम विले साइट से एंड साथ ही साथ आपको चेक करना है कौन सा इवेंट किस डे पे है और क्या उसका आवर्स होने वाला है, एवरीथिंग यू कैन चेक ऑन दिस वेबसाइट। अर्ली डिसम्बर में टुमॉरोलैंड के पासेस के प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। सो वॉट यू नीड टू डू, आपको जाना होगा tomorrowland.com वेबसाइट पे। वहाँ जाने के बाद आपको रजिस्टर करना होगा अपने ईमेल आईडी पासवर्ड से। उसको रजिस्टर करने के बाद जब आप लॉग इन करेंगे तो आपको होम पेज मिलेगा। उस होम पेज पर रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको प्री रजिस्ट्रेशन ऑप्शन वहाँ पे शो होगा। उस ऑप्शन को शो होने के बाद उसके अंदर सारी चीज़ें देखेंगे, जिस भी वीकेंड, जैसे मैंने बताया कि 2 वीकेंड्स प्लान होते हैं, तो जो भी वीकेंड आप देखना चाह रहे हो सबके आप पासेस के चार्जेस देख सकते हैं। और जैसे कि ये प्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है तो हो सकता है कि आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी मिल जाए पहले से। ग्लोबल पैकेज ऑप्शन भी मिल जाता है, उसके हेल्प से आपको जो भी पैकेज लेना है, उनके अलग अलग पैकेज प्लान होते हैं, तो आपके बजट के अकॉर्डिंग आप उसको पैकेज चेक कर सके, अपने जो भी आपका बजट फ्रेंडली पैकेज मिलता है उसको आप ऑप्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्टिंग। जितना भी टुमॉरोलैंड का आपका कॉस्टिंग आने वाला है, चाहे आप यहाँ से जा रहे हैं या वहाँ पे जो भी मनी स्पेंड करने वाले, ओवरऑल कॉस्टिंग की अब हम बात कर लेते हैं। सो अगर हम फ्लाइट्स की बात करें तो आपको अप्रॉक्स 50,000 का फ्लाइट चार्ज रहेगा। अगर टुमॉरोलैंड की टिकट की बात करें तो 28,000 थ्री डेज़ का टिकट प्राइसिंग हो जाएगा। अकोमोडेशन का जो कॉस्ट रहेगा वो 40,000 थ्री डेज़ का हो जाएगा। वीज़ा कॉस्टिंग जो आपकी होने वाली है वो 8,000 INR हो जाएगी एंड लोकल ट्रांसपोर्ट जो भी आप वहाँ ट्रैवल करेंगे उसका कॉस्टिंग अप्रॉक्स 10,000 INR रहेगी। दिस एक्सपीरियंस विल सिंपली आउट ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्थ इट फॉर यू। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। इफ़ यू वॉन्ट टू सी द स्टेप्स टू अप्लाई फॉर शेंगेन वीज़ा, आई विल मैंशन इन द डिस्क्रिप्शन अबाउट द वीडियो विच आई हैव ऑलरेडी मेड। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड इफ़ यू वॉन्ट मोर सच वीडियोज़ फ्रॉम माई एंड, प्लीज़ मैंशन द टॉपिक्स इन द कॉमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।